जी सत श्री अकाल जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग अबाउट द टॉप 3 इंडियन सप्लीमेंट ब्रांड्स जिनके आप सप्लीमेंट बाय कर सकते हो, चाहे वो क्रिएटिन हो चाहे वो वे प्रोटीन हो। और ये जितने भी ब्रांड मैं आपको बताऊंगा ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा, जो मेरे प्रीवियस फिटनेस जर्नी में एक्सपीरियंस रहा इन सब ब्रांड्स के साथ। और ये टॉप 3 ब्रांड बताऊंगा, इनको आंख बंद करके चाहे बाय कर लेना। ये ब्रांड्स लैब टेस्ट में भी अप्रूव्ड है और जितना ये प्रोटीन क्लेम करते हैं उतना ही इसमें आपको प्रोटीन मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो नंबर 3 पे ब्रांड है वो है एज इट इज न्यूट्रिशन। जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी की स्टार्टिंग करी थी तब मैंने इसका वे प्रोटीन बाय करा था। तब इसका जो ट्रेंडिंग में वे प्रोटीन चलता था वो चलता था अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन, तब इनकी एटम सीरीज नहीं आई थी। और आज के टाइम पे तो एज इट इज़ न्यूट्रिशन के पास क्वालिटी भी है, ऑथेंटिकेशन भी है, और जितना ये प्रोटीन क्लेम करते हैं उतना ही प्रोटीन आपको मिलता है। वन मोर थिंग जो सबसे बढ़िया चीज़ लगती है मुझे एज इट इज़ की, इनके पास वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर्स है, आप अपनी चॉइस से ट्राई कर सकते हो। जो मैंने ट्राई करे हैं वो मैंने ट्राई करा है एक कुल्फी और एक चॉकलेट फ्लेवर और एक अनफ्लेवर, ये 3 मैं ट्राई कर चुका हूँ। और कुल्फी फ्लेवर तो इनका रिकमेंडेड है, आप वो ट्राई करना ज़रूर। ट्रस्टिफाइड नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इस एज इट इज ब्रांड को ऑथेंटिकेशन दी हुई है। और नंबर 2 पर है अपना मसल ब्लेस। मसल ब्लेस का मैंने बायोजाइम और बिगिनर वे प्रोटीन और केसिन तो अभी भी मैं उसको यूज़ कर ही रहा हूँ। और मतलब मैंने इसके ऑलमोस्ट टोटली सारी जितनी इसकी न्यू रेंज आती हैं और पुरानी रेंज है वो मैंने ऑलमोस्ट सारी ट्राई कर रखी है। बट इसकी जो चीज़ मैं कहूँगा सबसे बेकार है वो इसका गेनर भूल के भी बाय मत करना मसल ब्लेस का। प्रोटीन हो क्रिएटिन हो चाहे इनका BCAA हो प्री वर्कआउट हो, ये सब मुझे टॉप नॉच क्वालिटी के लगे। ये सब मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा हो, बट मैं सबसे बढ़िया ये तीनों ब्रांड में से सबसे अच्छा डाइजेशन जिस ब्रांड का कहूँगा वो कहूँगा मसल ब्लेस परफॉर्मेंस वे का ही। क्योंकि जब मैं इसको पीता था और मेरे को जरा सी भी ब्लोटिंग महसूस नहीं होती थी। और फ्लेवर मैंगो फ्लेवर इसका गजब है भाई, ट्राई करना वो आप लोग। और नंबर 1 पे जो ब्रांड आती है वो आती है हेल्थ फार्म न्यूट्रिशन। हेल्थ फार्म न्यूट्रिशन मैंने जब अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी तब से लेके अब तक मैंने इनके कई बार सप्लीमेंट यूज़ करे हैं। और आई थिंक कुछ कुछ बंदों को पता होगा कि सी बम्स्टेड ने भी इनके साथ कोलैब करा था लाइक अपने सप्लीमेंट्स को इंडिया में सेल करने के लिए। इनकी 2 रेंज आती हैं, एक हेल्थ फार्म न्यूट्रिशन और जो डिवाइन फार्मा है वो सेम, मैं बता देता हूँ कि डिवाइन फार्मा बनाती है हेल्थ फार्म न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स। जो डिवाइन फार्मा है वो 2 कंपनी के प्रोडक्ट बनाती है, मेनली GPN और हेल्थ फार्म। तो GPN थोड़ा ठीक ठाक क्वालिटी होती है और प्राइस भी उसका सस्ता होता है, हेल्थ फार्म थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी में आ जाता है। हेल्थ फार्म का मैं बता देता हूँ आज तक मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। एक तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अभी करी है वो सिर्फ हेल्थ फार्म के प्रोडक्ट से ही करी है, तो मुझे कोई इश्यू नहीं आया किसी भी चीज़ को लेके। मैंने इनका गेनर भी यूज़ करा था, मुझे डाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे हेल्थ फार्म की लगी वो लगा इनका प्री वर्कआउट। हाफ स्कूप में ही आपको इतना अच्छा पंप और इतना अच्छा फोकस फील होगा ना। अगर तो आपको सप्लीमेंट का रिव्यू चाहिए प्री वर्कआउट का, प्री एक्स के नाम से आता है, तो कमेंट करके बताना, मैं उसका रिव्यू डाल दूंगा। ये जो मैंने आपको तीनों ब्रांड बताए, तीनों ही ब्रांड ट्रस्टिफाइड के द्वारा ऑथेंटिक हैं, सर्टिफाइड हैं। और मसल ब्लेस तो आई थिंक लैबडोर से भी सर्टिफाइड है। और ऐसा नहीं है कि अगर तो आपका ये जो ब्रांड है वो इंडिया में बन रहा है तो घटिया क्वालिटी होगी। देखो ब्रांड टू ब्रांड मैटर करता है कि वो रॉ मटेरियल कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं। US से ही सोर्स होता है सबसे बड़ा वे प्रोटीन की क्वालिटी उसका, रॉ मटेरियल्स का। एक ब्रांड मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, वो टॉप 3 में नहीं, मतलब मैं बस ये जस्ट बताने के लिए कर रहा हूँ कि वो अपना रॉ मटेरियल भी इंडिया में ही बनाती है। प्राग लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उनका ब्रांड है अवतार न्यूट्रिशन। उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इंडिया में ही है रॉ मटेरियल का, सो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। उनके पास भी फ्लेवर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज है और अवतार न्यूट्रिशन भी ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड ही है। मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था इन सारे ही ब्रांड्स के साथ, हो सकता है सबका अलग अलग रहा हो। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि कोई भी सप्लीमेंट बाय कर रहे हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ऑथेंटिक वेबसाइट से ही बाय करो, क्योंकि कुछ नहीं पता, पायरेसी छोटे बड़े ब्रांड सब में हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना मोटिवेशन के लिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बाकी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस।